चक्कर आया बोल के बोले मामी ये सब बोले भी नहीं लगा मेरा बच्चा मेरे को वापस ला दियो बोलो मैं तो इंसाफ करना। सलाम वालेकुम। आज दोपहर में है सो अपना साई कृपा स्कूल में कृष्णा नगर साई कृपा स्कूल में है सो मेरे भाई के बेटे को है सो चार जने बच्चे मिलके सब जने चार बच्चे मिलके है सो मारे सो है। कोई बोल रहे हैं कि पेन के वजह से पेन के वजह से लड़ी हुई, कोई बोल रहा है कि क्रिकेट के वजह से लड़ी हुई, ये कुछ भी नहीं है। सब स्कूल का सार और टीचर जो भी मिल के ही है सो इन लोगों को बच्चों को भटका है सो है कि इन वजह से लड़के है सो कुछ करना बच्चे से और लड़ाई है सो अब से नहीं एक 10-15 दिन से लड़ाई चल रही थी ये तो चारों बच्चे मिलके क्या करें। एक बच्चा है सो कतर दिया यहाँ पर कतर दिया एक बच्चा है सो गला दबा के ऑलरेडी टीचर थी नीचे स्कूल में ही थी टीचर भी कुछ भी नहीं बोली। बच्चे मार रहे तो भी दूसरे भी बच्चे भी थे कोई भी कुछ भी नहीं बोले। चार बच्चे मिलके है सो मारे सो है और है सो बच्चे को ढकल दिया बच्चे को जैसा बच्चा गिरा बेंच का मार लगा बच्चे को और है सो ना स्कूल वाले ये दोपहर में लंच के टाइम पे हुआ सो है ये 12:30 को हुआ सो है 12:30 बजे जैसे बेंच पे जब सर लगा तो उसी टाइम पे इंतकाल हो गया। नहीं उसी टाइम पे हॉस्पिटल को भी नहीं लेके गए खाली है सो बच्ची की अम्मी को फोन करके बोले कि बच्चा आपके बच्चे का ऐसा लड़ाई हुई कि बच्चा आपका 2 दिन से रोजा था ये सब झूठे बात हम बोल रहे 2 दिन से बच्चा कुछ भी रोजे में नहीं था आज भी रोजे में हूँ बच्चा बोल के बोली टीचर। चक्कर उनके वालदा है सो जब का जब है जिंदा था हॉस्पिटल को ले गए अपना कृष्णा हॉस्पिटल को ले लेके गए कृष्णा नगर पे। वो हॉस्पिटल वाला बोला कि हम लोग नहीं लेते अपोलो हॉस्पिटल को ले लेके जाओ बोला अपोलो हॉस्पिटल को ऐसा रनिंग में लेके गए इंतकाल हो गया बच्चे का। ना टीचर आई ना स्कूल का प्रिंसिपल आया कोई भी नहीं आए ऑलरेडी है सो बांध में लास्ट में है सो पोस्टमार्टम के लिए जब लेके जा रहे तो जब आया स्कूल का एक सार आके क्या है देख लेके चले गया। अब स्कूल में हम जाके सीसीटीवी प्रोटेज देखने के से गए तो क्या ऑलरेडी पुलिस वाले आके वो ले लेके चले गए। ना पुलिस ना टीचर है ना स्कूल का सार है स्कूल में कोई भी नहीं है वो लोग भी चले गए फुटेज भी नहीं दे रहे। हमारे को खाली इंसाफ होना है गवर्नमेंट से कि बच्चे को है सो उनके घर वालों को इंसाफ दिला दीजिए बस उतना ही। हाँ तो देखिए हम न्यूज़ सुन के आए यहाँ पर मासूम बच्चा है बच्चे की जान तो वापस नहीं आती यहाँ पर अच्छे से आज ये बच्चा हुआ कल दूसरे बच्चे भी रहते सबके बच्चों की जान सबके माँ बाप के जिल घर के टुकड़े हैं ये और ये स्कूल वालों की गलती है स्कूल वाले इस पर एक्शन नहीं लिए और स्कूल वालों की भरपूर अंदाज से यहाँ पर गलती है। और यहाँ पर जब क्लास चल रहे तो यहाँ पर वार्डन रहना चाहिए और यहाँ पर सार रहना चाहिए यहाँ पर टीचर रहना चाहिए यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज से गाइडिंग करना चाहिए। इतना बड़ा स्कूल चला रहे मैडम इतना स्कूल बड़ा चला रहे तो 30 साल से चला रहे आज तक ऐसा नहीं हुआ लेकिन अब जो है यहाँ पर बहुत बड़ा हमारे साथ जो है अच्छा नहीं हुआ नाइंसाफ़ी हो गई हमारे साथ बच्चों की और यहाँ एक्शन लेना चाहिए और स्कूल वालों की गलती है यहाँ पर ठीक है बेशक ये मेरी बहन का स्टार्टिंग से पहले पूछते ना उनसे मेरे बच्चे को मेरे को वापस लागो दियो मेरे को इंसान कर मेरा बच्चा अच्छा सुबह में ना नाशा घर को खाना खा को टिफिन बनी चल गया मेरा बच्चा स्कूल को 1:16 को फोन आया 2 मिनट में स्कूल में रहना बोले तो इससे पहले इशू हुआ ना क्या कि सर मैडम पनिशमेंट डाली बच्चे के खिलाफ क्या कि झूठे बातें भी बोली। कौन सी क्लास में था बच्चा आपका? ये साल एडमिशन कराई मैं बच्चे को 10th क्लास का पहला साल है एडमिशन साई कृपा स्कूल है साई कृपा स्कूल कहाँ पे आता है ये कृष्णा नगर तो हुआ क्या था ये साल हुई बच्चों की क्या हुई कि मैं को भी नहीं मालूम मां ये साल ही एडमिशन कराई मैं बच्चे को क्या फोन आया आपको 2 मिनट में यार है ना बोल के बोले कहीं को फिर गलती मेरा बच्चा कुछ तो भी करा क्या बोल के पूछी मैं इस तो वो बच्चा फैजान ये पूरे 6 बच्चे थे उनके दोस्तों का नाम बोलो तुम फैजान सलमान मोइन उबैद और एक बच्चा कौन है कि नाम नहीं मालूम मेरे को पूरे बच्चे टीच बच्चे की परसों ने दिसंबर 13 को 15 लगे
बच्चे एक्शन लेना है, झूठा बात बोल रही मैडम। मेरा बच्चा अच्छा हेल्दी था अम्मा, मेरा बच्चे को कुछ बीमारी नहीं था, असल हेल्थ इश्यू नहीं था, मेरा बच्चा अच्छा था, आज तक कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे को पैदा हुए जब से आज तक मैं मेहनत करके बच्चे को पाल लेती आई, आज मेरे बच्चे को वो स्कूल वाले जान से मार डाली, टीचर सताई, मैडम सताई, मैडम बहुत सताई मेरे बच्चे को, मैडम तो बहुत सताई, स्कूल के टीचर अभी सताए, बच्चे सताए, मैडम तो बहुत सताई, मैडम बहुत बाता बोली, हम फीस है बोल के ली 25,000 दोनों का बोल के ली, अब 70,000 था ली स्कूल का फीस, उसके हाथा पैरा पड़ गए 50,000 करीब, पूरा राउंड पूरा स्कूल का फीस अच्छी बात है बनती बोल के, फिर क्या हुआ कि स्कूल में क्या करे कि बच्चे मार ले कि टीचरा क्या कर रहे थे बच्चे मार लिए तो हाँ PS में कंप्लेन करे, मेरे को माने इंसाफ होना सबके ऊपर, तुम लगा एक्शन लेना तो लाइव बरकत हो। वो बच्चा जब गिर गए तो उन्होंने होश में नहीं थे, उन्होंने वहाँ ऑन द स्पॉट हो गए या अनकॉन्शियस हालत में थे नहीं मालूम किसको भी, बाद में जब पेरेंट्स को फ़ोन करे आप दो मिनट में यहाँ रहना बोलेगा थे उनको, बच्चे के साथ लड़ाई हुई, बच्चा ऐसा गिर गए होश में नहीं है, वो कैसा कुछ भी इतला नहीं दिया पेरेंट्स को, उन्होंने समझा ऑलरेडी स्कूल में कितने दिन से लड़ाइयाँ चल रहे हैं, इनको बुलाते जा रहे समझाते जा रहे और उन बच्चों को भी ये करते जा रहे, बच्चे बोल रहे क्रिकेट खेले तीन दिन पहले भी लड़ाई हुई वही लड़ाई फिर स्टार्ट हुई बोले, फिर वो इस लड़ी का वजह से ये आज लड़ी हुई नहीं दूसरा कोई प्रॉब्लम है नहीं मालूम, टीचर हम पूरे नीचे थे कहते नीचे बैठ के टीचर खाना खा रहे थे कहते बच्चे ऊपर बैठ के खा रहे थे, बच्चे बच्चों में लड़ी स्टार्ट हुई, बच्चे लड़ लिए और इतना मैटर हो गया इधर, तो टीचर क्या कर रहे थे जब आवाज़ आ रहे नीचे पूरे रूमों के CCTV कैमरे ऑन है तो एक जने भी टीचर इतने जिम्मेदार नहीं है कैमरे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा देखने, इतने बेहोश हालत में है क्या टीचर, घर वालों को बच्चे जब लड़ ले रहे तो घर स्कूल में मीटिंगा चल रहे बच्चों को समझा रहे, एक दो बच्चों को ऑलरेडी सस्पेंड करे भी कहते स्कूल से, तो फिर जब ही बच्चों को पूरों के ऊपर नज़र रखना टीचरों की उसको में पे क्या बोलते प्रिंसिपल की स्टाफ की जिम्मेदारी है नहीं है, ऐसा कैसा उन लोग लापरवाही कर रहे, हमारे भी बच्चे वही स्कूलों में पढ़ रहे फिर हम लोग कैसा बच्चों पे भरोसा करके भिजाना, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती बच्चों को अच्छा पढ़ाते मेंटेनेंस अच्छा होता प्रिंसिपल अच्छे हैं टीचर अच्छे हैं स्टाफ अच्छा है, बकमला कैसा भरोसा करना, हाँ अगर बच्चे सॉक्स नहीं पहने सही जूते नहीं पहने यूनिफॉर्म नहीं पहने तो फाइन डालते बच्चों की पढ़ाई रोक देते पनिशमेंट ले देते, अब बच्चे का बच्चे की जान चलेगी इसकी फाइन कौन भरते, बच्चे की जान ला के देते पेरेंट्स को, अब वो अम्मा को बच्चा होना है कौन ला के देते, स्कूल के ऊपर कार्रवाई होना और उन लोग जो भी है सार की जो भी पोजीशन रहने दो मैडम की जो भी पोजीशन रहने दो, ये गरीब अम्मा बाबा का इंसाफ होना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात, ये मेरा भतीजा है, मेरे भतीजे को जानबूझ के करे सो है ये बच्चे स्कूल के बच्चे नहीं स्कूल वाले करे सो है जानबूझ के करे सो है बच्चे को मेरे बच्चों को जानबूझ के मारने लगाए सो है मार मार के बच्चे को ख़त्म करे सो है, मेरे को इंसाफ चाहिए नहीं बोले तो पूरे स्कूल की पूरी पाट लगाने वाला हूँ मैं। कितने साल का बच्चा था, उम्र क्या? 16 साल का बच्चा है मेरा। किस वजह से हुआ ये? ये बच्चे स्कूल में लड़ लिए सो है बच्चे दो सात साल लड़ लिए सो है ये लड़ लिए सो नहीं है ये स्कूल वाले करे सो है ये जानबूझ के स्कूल वाले करे सो है लापरवाही से करे सो है नहीं अगर मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिला बोलते पूरी स्कूल की वार लगाने वाला हूँ। ऐसा क्यों लग रहा आपको कि ये स्कूल के तरफ से हुआ फिर उसको क्या कर रहे फिर इससे पहले कुछ कंप्लेंट आई थी इससे पहले कंप्लेंट आई सो है इससे पहले से बच्चों को समझा रहे तो बच्चे नहीं समझे सो है ये जानबूझ के करे सो है ये इंतकाल बच्चे मार ले के हुआ सो है और न्यूज़ में ऐसा एक जना फुटबॉल खेल के एक जना वॉलीबॉल खेल के एक जना बैट बॉल खेल के मार लिया एक जना पूरे न्यूज़ में पूरा फेक न्यूज़ सुना रहे सो है ये होना बोल के जानबूझ के करे सो है ये इसका इंतकाल हुआ कैसा किस चीज़ से मार लगा बच्चे से बेंच को बोल के बोल रहे बेंच को या वो पाइप लेके मारे या बॉटल लेके मारे क्या लेके मारे हाँ अलग कोई चक्कर आके गिर गया बोल के बोल रहे ऐसा गिर रहे तो ऐसा गिरने से बोल के बोल रहे नहीं लेकिन ये बच्चे चार पाँच छः जने मिल के बच्चे को ख़त्म करे सो है ये जानबूझ के करे सो है स्कूल में वाल कराए सो है स्कूल से कराए सो है ये कंप्लेंट दी आपको जाओ स्कूल में स्कूल के बारे में कंप्लेंट दिए सो है जुबली PS में।
पुलिस कुछ एक्शन ले, अभी तक क्या हुआ कुछ? नहीं अभी एफआईआर हुई अभी? नहीं हुई, नहीं हुई अभी, होने वाली एफआईआर नहीं हुई अभी, एफआईआर नहीं हुई, केस बुक कर दी है सर। उस्मानिया लेके गए सो है, पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया लेके गए सो है बच्चे को। हाँ सब होने वाला है, स्कूल में सीसीटीवी अवेलेबल है? हाँ पूरा है, पूरा अप टू डेट है पूरा, उसके अंदर सीसीटीवी में सब चीज है, पूरा हर चीज है। हाँ एमएलए साहब से भी एक्शन लेने का, एमएलए साहब से बात करने का, एमएलए साहब भी आना है, एमएलए साहब आएंगे, एमएलए साहब को बुलाऊंगा, एमएलए साहब भी आएंगे यहाँ पे, एमएलए साहब से भी बात करना है। माना